साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ अपने गठबंधन को तोड़कर बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो जिस समय गठबंधन कर रहे थे इस बात का ठेका ले लिया था कि वो मायावती को इस बार प्रधानमंत्री बनवा देंगे। जब वो मायावती प्रधानमंत्री नहीं बन पाई तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने ये गठबंधन तोड़ दिया। आज मायावती ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया, लेकिन कल से ही इस तरह की खबरें मीडिया में सामने आ रही थी। लोगों ने खंडन करने की भी कोशिश की और बताने की कोशिश की कि जो गठबंधन टूटने की खबरें हैं ये भ्रामक हैं। इन्हीं खबरों के बीच में जब सोशल मीडिया पर पूरी क्रांति मची हुई थी, बहुजन समाज के लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए थे, जैसा गोदी मीडिया चाहता था वैसा सोशल मीडिया में चीज़ें वायरल भी हो रही थी, उसी बीच में मेरे पास एक फ़ोन आया और लोगों ने ये बताया कि मायावती के जो भतीजे हैं यानी कि उनके भाई आनंद के बेटे आकाश आनंद, उन्होंने कुछ फेसबुक पर लिखा है। जब मैंने उनके फेसबुक चेक किया तो रात्रि 10:25 पर उनका फेसबुक पर एक पोस्ट आया था, लिखा हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी ने जो मीटिंग की है उसमें गठबंधन के भविष्य पर कोई फैसला नहीं किया है, और उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो खबर भ्रामक हैं। उसके नीचे ही उन्होंने एक खबर का लिंक भी शेयर किया था जिसमें लिखा हुआ था, झूठी निकली गठबंधन की टूटने की खबर, बसपा ने बयान जारी कर किया खुलासा। ये सब देखने के बाद मैंने ये वीडियो भी बना लिया और गोदी मीडिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन इसी बीच में मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं तो निश्चित तौर पर मायावती पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो क्या निर्णय लेंगी, क्या कदम उठाएंगी। अच्छा हुआ कि ये वीडियो मैंने रात में पोस्ट नहीं किया था और सुबह तक मायावती की तरफ से किसी का भी आधिकारिक बयान आने का इंतजार किया। न मैंने गोदी मीडिया पर भरोसा किया, न उन लोगों का भरोसा किया जो ये कह रहे थे कि खबरें भ्रामक हैं। दिलीप मंडल जी ने अपनी फेसबुक पर भी लिख रखा था कि ये भ्रामक खबरें आ रही हैं, जबकि गठबंधन नहीं टूटा है। अब जब मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं तो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जो खबरें मीडिया में छन छन के आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी। भले ही मायावती और उनसे जुड़े हुए लोग कहें कि गोदी मीडिया खबरों को गलत तरीके से चला रहा था, तोड़ मरोड़ कर चला रहा था, लेकिन मायावती ने जिस तरीके का बयान दिया है उस बात से तो स्पष्ट है कि उनकी खबरों को तोड़ मोड़ कर नहीं चलाया जा रहा था। देखिए, गोदी मीडिया का तो ये काम ही है कि आप उसको जरा सा उंगली पकड़ाएंगे वो पूरा हाथ पकड़ लेगा, तो ये उंगली पकड़ाने का काम मायावती ने किया है। और मेरी नज़र में इस गठबंधन की टूटने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मायावती हैं। हालांकि मैं अखिलेश यादव को कभी भी अपने दिल से बहुत परिपक्व नेता नहीं मान पाया, लेकिन फिर भी इस गठबंधन के होने में अखिलेश यादव की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने आगे बढ़ करके ये तक भी कहा कि समाजवादी पार्टी नुकसान उठाने को तैयार है, लेकिन जनता के मन से हम इस गठबंधन को करने जा रहे हैं। और जैसा कि कहा जा रहा था कि ये गठबंधन जनता का गठबंधन है, करते समय तो जनता की राय की सुमारी की बात की गई, लेकिन इस गठबंधन को तोड़ते समय मायावती ने जनता की फीलिंग्स का जरा भी ध्यान नहीं रखा। अखिलेश यादव चाहते तो जब उनके यहाँ समीक्षा बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी में, उसके बाद इस गठबंधन को तोड़ सकते थे, क्योंकि इस गठबंधन के होने का नुकसान मुझे जो लगता है वो समाजवादी पार्टी ने उठाया है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की 2014 में 0 सीटें आई थीं, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई थीं, बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 पर पहुंच गई, समाजवादी पार्टी 5 से 5 पर सिमटी है, और तो और उसके परिवार के इस बार 3 लोग हार भी चुके हैं। तो आरोप समाजवादी पार्टी भी लगा सकती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने परिपक्वता दिखाई। आजमगढ़ में उन्होंने रैली की, उसमें भी इस तरह के कोई आरोप नहीं लगाए। उनकी समीक्षा बैठक के बाद उनके लोगों के द्वारा भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं हुई कि हमें दलितों के वोट नहीं मिले, हमें जाटवों के वोट नहीं मिले। हकीकत यही है कि इस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी और उसके मानसिकता के लोगों को मजबूत करती है, और वो चाहते ही हैं कि आप लोग आपस में लड़ते रहें। मैं यहाँ पर फिर से ये बात कहूँगा कि मेरी नज़र में इस गठबंधन की टूटने की जिम्मेदार मायावती हैं। मायावती ने अगर अपनी समीक्षा बैठक में बार बार इस बात पर फोकस रखा कि यादव परिवार के 3 लोग हार गए, यादवों का हमें वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, यादवों में अनुशासन नहीं है, उन्होंने इस बात को भी कहा कि समाजवादी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, वो अपने यहाँ कैडर खड़ा करें, तो मुझे ये लगता है कि मायावती को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए था कि जिन ब्राह्मणों को उन्होंने टिकट दिया था, सतीश चंद्र मिश्रा को वो राष्ट्रीय महासचिव अपने यहाँ बनाए हुए हैं, तो उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा का भी इस्तीफा ले लेना चाहिए था, क्योंकि इस बार ऐसा लगता है कि उनको ब्राह्मण समाज का भी वोट नहीं मिला। उन्होंने थोक में ब्राह्मण समाज को टिकट बांटे थे, लेकिन ब्राह्मण समाज से सिर्फ एक व्यक्ति चुनकर आया है, तो ब्राह्मणों से भी उनको सवाल करना चाहिए था, और इस पर भी प्रेस रिलीज जारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि क्यों ब्राह्मण समाज को सम्मान देने के बाद भी उनको अपेक्षित वोट नहीं मिला। बहन जी को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए था समीक्षा बैठक में कि उन्होंने अपने कितने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए। उनको अपने लोगों से यह भी पूछना चाहिए था कि जो उन लोगों ने बाहरी लोगों को ला करके सीधे लास्ट टाइम में
टिकट थमा दिए थे, आखिर उन लोगों को अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिल पाई? बहन जी को जब समीक्षा बैठक कर रही थी तो उनको इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिए थी कि सुरक्षित सीटों पर जिन अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स को उन्होंने उतारा था, उन अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स में कौन कौन सी जाति के लोगों को दलितों में उन्होंने टिकट दिए थे। उनको इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिए थी कि पिछड़े वर्ग से लेकर अन्य वर्गों में जो उन्होंने टिकट बांटे थे उसका रेशियो क्या था। मायावती को इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिए थी कि 2014 में जो उनको वोट मिला था, इस बार वो वोट परसेंटेज बढ़ा है कि नहीं उन सीटों पर जिन सीटों पर पिछली बार वो दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे थे, इस बार उनका अंतर कम हुआ है कि नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती, उनके पार्टी के लोगों से मेरा एक सवाल और है कि जो आप गणित लगाए हुए थे जाति का गणित, क्या आपने ये समझने की कोशिश की कि उस जाति के गणित में आपने ये तो आरोप लगा दिया कि यादवों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन आपने ये समझने की कोशिश की कि जिन जगह पर आप बहुत कम अंतर से हारे हैं वहां पर निश्चित तौर पर आपको वोट किसका मिला? कई कई सीटों पर अंतर बहुत कम रहा है, कहीं पर 10,000 से हारे हैं, 5,000 से हारे हैं, एक जगह पर तो अंतर वोटों का केवल 200 से भी कम था, तो इन सीटों पर आखिर आपको वोट किसने दिया है? तो निश्चित रूप से समीक्षा बैठक में अपनी चीजों पर सुधार करने की बजाय कि हमसे चूक कहां हुई, हमसे गलती कहां हुई, बहुजन समाज पार्टी पर जो सीधे सीधे एक जाति का ठप्पा लगा था, बहुजन समाज पार्टी पर जो सीधे सीधे पैसे लेने के आरोप लगे थे, उन आरोपों को दूर करने के लिए क्या बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक में जरा भी चर्चा हुई? निश्चित रूप से नहीं हुई होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी या अन्य बहुजन नेताओं की आदत पड़ चुकी है कि ठीकरा दूसरे के सिर मढ़ दिया जाए। पिछली बार 0 सीटें आई थी तो ईवीएम के ऊपर यह आरोप मढ़ा गया था, इस बार 10 सीटें आ गई हैं तो यह आरोप सीधे सीधे अखिलेश यादव की तरफ मढ़ दिया गया है। मुझे लगता है कि यह जो प्रेस नोट या प्रेस रिलीज जारी हुई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सामने वो जरूर बैठी थी लेकिन शब्द किसी और के थे। शायद यही वजह है कि मायावती का हमला सीधे सीधे सिर्फ एक पार्टी की तरफ था, सिर्फ एक जाति की तरफ था, जो निश्चित रूप से बहुजन यूनिटी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को समीक्षा बैठक में इस बात पर भी सवाल उठाने चाहिए थे कि जो समीकरण आप जोड़े हुए थे उसमें अन्य समाज के वोटों को क्यों नहीं जोड़े थे, और अन्य समाज का वोट अब आपसे छिटकता क्यों चला जा रहा है, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन समीक्षा तो दूसरी ही दिशा में चली गई, क्योंकि जैसे अन्य जगह पर हाल है वही हाल बहुजन समाज पार्टी में भी है कि उनकी समीक्षा बैठक में अन्य किसी नेता को बोलने का बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। जो बहन जी के मन में आ गया, उनके चारों तरफ इर्द गिर्द के लोगों ने जो उनको समझा दिया गया, वही अटल सत्य है और उसी बात पर आगे फैसला होना है। जन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए थी कि उनके नेता क्यों केवल एसी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को ही राजनीति मान लेते हैं, क्यों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके या जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी में भी यही ट्रेंड है कि केवल मायावती बोलती हैं बाकी सब सुनते हैं, जैसा ट्रेंड इस समय भारतीय जनता पार्टी में है कि एक सुनता है, एक बोलता है, बाकी सब सुनते हैं, लेकिन वहां पर यह ट्रेंड इसलिए चल जा रहा है क्योंकि वो सत्ता में है, और जब तक सत्ता में है तब तक राजनाथ सिंह को गृहमंत्री बना दिया जाए या गृहमंत्री से हटाकर रक्षा मंत्री बना दिया जाए या कुछ भी ना बनाया जाए तो किसी की बोलने की भी हिम्मत नहीं है। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को ये सोच लेना चाहिए कि जब सत्ता से बाहर आ गई है तो कम से कम अब उसके यहां कुछ लोगों को बोलना चाहिए और इस बात का विरोध दर्ज कराना चाहिए कि क्यों बहुजन समाज पार्टी अपनी वो पुरानी राजनीति को भूल चुकी है जिसमें वो सड़कों पर उतर करके लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करती थी और बहुजन समाज को ये बताने की कोशिश करती थी कि अन्य पार्टियां उनको कैसे बरगलाने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर के समीक्षा बैठक में अपने के ऊपर समीक्षा करने के बजाय दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर ये पार्टियां इसी तरीके से करती रह जाएंगी तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले चुनाव भी इनके हाथों से निकलते चले जाएंगे। इसमें मैं फिर से इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव के कि कम से कम उन्होंने गठबंधन होने के पहले और गठबंधन होने के बाद ये बड़प्पन दिखाया कि उन्होंने अपनी तरफ से इस गठबंधन को लेकर कुछ भी इस तरीके के गलत बयान नहीं दिया कि गोदी मीडिया को मौका मिले कि वो नमक मिर्च लगा के इस तरीके के बयानों को पेश करें और दो लोगों के बीच में नफरत की राजनीति करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर फिर से अपील करता हूँ उन लोगों से जो सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, जो सीधे सीधे राजनीति से जिनको मतलब नहीं है, यानी कि जो बहुजन समाज पार्टी के मेंबर नहीं है, जो समाजवादी पार्टी के मेंबर नहीं है, उनको इन बयानों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी इन बातों पर फोकस नहीं करना है, सोशल मीडिया पर लिख करके इन बातों पर समय बर्बाद नहीं करना है कि किसका वोट किसको ट्रांसफर नहीं हुआ, किससे ने किसको वोट नहीं दिया, क्योंकि इस तरीके से नफरत आगे बढ़ेगी। ये वो दौर है जब दलित पिछड़ों की राजनीति के साथ समस्या ये है कि दलित पिछड़े समाज के लोग अपने राजनीतिज्ञों की तरफ यानी कि पार्टियों की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक वो हैं जो जनता की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि यार हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम तुम ही करो। तो मैं जनता के लोगों से अपील कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी ये बहुजनों की ठेकेदार नहीं है, ये गठबंधन करें या गठबंधन ना करें, लेकिन जो हमारा आंतरिक स्तर पर गठबंधन है, और किस मामले में गठबंधन है कि कम से कम हमें अपने मुद्दों
पर एक साथ लड़ना है। लोक सेवा आयोग में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है उस मामले को दबने नहीं देना है। वहां अंजुलता कटियार को भले ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है लेकिन अन्य लोगों को क्यों छेड़ा जा रहा है? अंजुलता कटियार को की अगर गिरफ्तारी हुई है तो लोगों को ये सवाल भी पूछना चाहिए और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी इस बात के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए कि क्या अंजुलता कटियार अकेली एकमात्र जिम्मेदार है? लोक सेवा आयोग में केवल अंजुलता कटियार ही सारी चीजों के डिसीजन लेती थी, अगर नहीं लेती थी तो जगदीश तिवारी, अंजू मिश्रा या ऐसे तमाम सारे लोगों को क्यों वहां पर छोड़ दिया गया है? और अंजुलता कटियार की गिरफ्तारी करके इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है लेकिन हमें लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार समेत उन सारे मुद्दों को दबने नहीं देना है जहां पर हमारी नौकरियां जा रही हैं, जहां पर निजी क्षेत्र ज्यादातर चीजों को निजी करके हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये वीडियो मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए लेकर आना चाहता था कि सोशल मीडिया पर हमें गंद नहीं मचानी है, ना ही हम जैसे लोगों को वहां पर क्रांति करनी है। ये पार्टियों का मसला है, उनका गठबंधन रहे या टूट जाए लेकिन बहुजन यूनिटी के नाम पर जो हमारे आप जैसे लोगों का गठबंधन बना था वैचारिक तौर पर, उस गठबंधन को हमें जारी रखना है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।